तो दोस्तों सब्सक्राइब करो पूनम व्लॉग्स को, जी हाँ, और जाकर यार इस बेल आइकन को प्रेस कर लो फटाफट से मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। पूनम व्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है लॉकडाउन के चलते हुए आजकल हम लोग मार्केट्स की वीडियो ना लाकर मार्केट्स की नॉलेज आपको दे रहे हैं। मतलब कि हम आपको ये बता रहे हैं कि होलसेल मार्केट में, अगर आपको किसी भी होलसेल मार्केट में जाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो आज मैं आपको प्रॉपर पूरा होलसेल मार्केट, जिस मार्केट का मैं नॉलेज आपको देने वाली हूँ, वो मार्केट रहेगी हमारी गांधीनगर मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और दिल्ली में है। जी हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम लुधियाना में भी एक्चुअली एक गांधीनगर मार्केट है और आपका गुजरात में भी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचा किस तरीके से जाए। तो अगर पहुँचने की बात करें तो आपको नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको शास्त्री पार्क पड़ेगा। शास्त्री पार्क आप जैसे ही बाहर आते हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर आप आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको दो तरह के अनाउंसमेंट की जाती है, एक तो बोला जाता है पुष्ता रोड पर और एक बोला जाता है नीचे वाली मार्केट। अब आप बोलेंगे मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको महावीर मार्केट, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं, अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है तो आपको नीचे वाली मार्केट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको सुभाष रोड के पास जाना है तो आपको जो है पुष्ता रोड पर आप जा सकते हैं। अगर आपको तिकोना जो मार्केट्स हैं, मतलब तिकोना पार्क एक बोला जाता है, वहाँ पर अपना बाजार शुरू हो जाता है, वहाँ पर आप जो है आपको पुष्ते वाली रोड पर उतरना है। और अगर आपको कृष्णा गली में जाना है, यानी कि कृष्णा मार्केट में उधर जाना है, तो भी आप जो है वहाँ पर पुष्ते वाली रोड पर उतर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो किराए की, तो यहाँ पर अगर आप मेट्रो स्टेशन से अगर आप आते हैं शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से, तो केवल और केवल आपको 10 रुपये या 15 रुपये जो है आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है। अब अगर हम बात करें शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के अलावा, आप पुरानी दिल्ली, आपको जो है मेट्रो स्टेशन भी है और आपका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर आप आ सकते हैं गांधीनगर मार्केट में। यहाँ से जो आपको ई रिक्शा मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपको पुष्ते वाली रोड के लिए ही मिलेगा, आपको नीचे वाली मार्केट के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यस, आपको पुष्ते वाली रोड के लिए भी यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा और उसका किराया भी केवल और केवल 10 से 15 रुपये के बीच में ही होता है। तो इसका जो किराया है वो भी यहाँ का भी केवल आपको 10 या 15 रुपए ही देना होता है। पुष्ते रोड के अलावा यहाँ पर एक गली और बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, जो अभी अभी मतलब ओपन, मतलब वहाँ से आना जाना जस्ट अभी शुरू हुआ है, वो गली कहलाती है पंडितों वाली गली। तो पंडितों वाली गली से आप लोगों को जो आसपास जो मार्केट, जैसे आपका सरस्वती भंडार है, ये सब मार्केट्स आपको काफ़ी नियर बाय पड़ जाती हैं। आपको तिकोना जो पार्क है वहाँ पर आपको अपना बाजार करके मार्केट, वो भी बहुत नज़दीक हो जाती है। तो यानी कि आप तीन जगह ऐसी हैं जिसके माध्यम से आप आसपास की मार्केट में पहुंच सकते हैं। हालांकि यहां पर आप किसी भी तरीके से पहुंचे, कहीं से भी पहुंचे, आप मेन मार्केट में आसानी से आप लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पुष्ते रोड पर आप पहुंचाते हैं तो भी आप मार्केट में आ चुके हैं, अगर आप तिकोना पार्क, मतलब अगर आप महावीर गली के पास पहुँच रहे हैं तो भी आप मार्केट में एंटर कर चुके हैं, और अगर आप पुष्ते रोड के अलावा अगर आपको पहले उतार दिया जाता है पंडितों वाली गली के पास, तो भी आप मार्केट में एंटर कर चुके होते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये वाली जो लाइन है, किस तरीके से आपको पहुंचना है, किन किन गलियों की तरफ आप आ जाएंगे, तो ये चीज आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मार्केट्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें मार्केट्स के बारे में, तो सबसे पहले जो सुभाष रोड की जो मार्केट्स हैं वो सबसे सस्ती मार्केट है, यानी कि आपको अदर मार्केट से इस मार्केट के अंदर आपको काफी सस्ता माल मिल जाए। अब बारी आती है सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार में भी गलियां हैं 1, 2, 3, 4 करके भी इसमें आपको काफी सारी गलियां मिलेंगी। यहां पर आपको मोस्टली जो कलेक्शन मिलेगा वो मिलेगा शर्ट्स का कलेक्शन। यहां पर आपको मैन्युफैक्चर भी मिल जाएंगे, यहां पर आपको होलसेलर भी मिल जाएंगे। तो आप अगर सरस्वती भंडार की तरफ आते हैं तो आपको बच्चों के कपड़े भी मिलेंगे, आपको जींस का भी कलेक्शन मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा कलेक्शन है वो आपको मिलेगा शर्ट्स का। अब हम बात करते हैं मार्केट की। जी हाँ, गांधीनगर के अंदर एक मार्केट और आती है मार्केट। यहाँ पर आपको लैगिंग जैगिंग बहुत सारे आपको जो है काफी सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो यानी कि आप अलग अलग दुकानों पर जाकर आप रेट वगैरह पता करके जब आप वहां से खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफी मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाएंगे, होलसेलर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए ये भी काफी इजी रहेगा।
अब आपको गांधीनगर में जुराब मंडी भी एक गली है, वहां पर आपको जुराब मिल जाएंगी, ग्लव्स आपको मिल जाएंगे, मफलर आपको मिल जाएंगे, मतलब कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वहां पर आपको काफी कलेक्शन इस तरीके का मिल जाएगा। अब बारी आती है महावीर गली है, दुर्गा गली है, जहां पर आपको जींस की वैरायटी सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर आपको शर्ट्स का भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मेनली है बच्चों की जींस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, ट्राउजर आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको जो है बहुत सारा कलेक्शन जो है जेंट्स का यहाँ पर मिलेगा, आपको गर्ल्स का भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्रॉपर आपको जींस की यहाँ पर वैरायटी काफी कुछ देखने को मिलने वाली। अब हम आ जाते हैं मुखर्जी गली की तरफ। हालांकि देखिए मैं आपको बार बार रिपीट ये कर रही हूँ, गलियां यहाँ पर काफी सारी हैं, लेकिन जिन गलियों के बारे में मैंने अभी तक मैंने जितना विजिट किया है, जितना मैंने जाना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से आप भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं मुखर्जी गली। मुखर्जी गली में आपको स्पेशली आपको गाउन मिल जाएंगे, कुर्तीज का कलेक्शन मिल जाएगा, और गाउन की अगर हम लोग बात करें एक से एक लेटेस्ट कलेक्शन आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि हम बड़े बड़े मॉल्स में जो वैरायटीज देखते हैं अक्सर, तो इस तरह का आपको कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी आपको जो है मीडियम, यानी कि आपको सस्ते से थोड़ा ऊपर मिलने वाला है, लेकिन क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब बारी आ जाती है रामनगर यानी कि जैन मंदिर गली में। यहाँ पर आपको क्वालिटी और सुपर से भी ऊपर मिलने वाली है। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँ तो सपोज कीजिए यहाँ से आपको जो 5000 रुपये की जो चीज़ मिल रही है, वही चीज़ आपको मुखर्जी गली में 3500 की मिलेगी, और वही चीज़ अगर आप सुभाष रोड पर चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर और सस्ती मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का कंपेरिजन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन यस, आपको पता है जैसा प्राइस होता है क्वालिटी वैसी होती है। तो अगर आप इन तीनों चीजों के मेल को प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो आपको काफी इजी हो जाएगा जिस चीज का भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। बट यस, मुखर्जी गली में आपको कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर कुर्ती से लेकर गाउन से लेकर शरारे से लेकर आपको बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, लेकिन जो भी आपको मिलेगा होलसेल में मिलेगा। सो प्लीज इस चीज का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और अगर आप होलसेल में लेने चाहते हैं तो कई दुकानों पर आपको इस तरह के भी मिल जाते हैं कि आपको सेट वाइज भी चीजें मिल जाती हैं। लाइक जैसे अगर आपको कोई गाउन पसंद आ गया है और आपको 2 या 3 पीस लेने हैं, लेकिन आपको उसका सेट वाइज लेना होगा, यानी कि उसमें कलर अलग अलग होंगे या हो सकते साइज भी अलग अलग हो, तो ये आपको इस तरीके के ऑप्शन यहां पर मिलने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करें गांधीनगर में, तो गांधीनगर में आपको एक से एक मैन्युफैक्चर शर्ट्स के आपको मिल जाएंगे, गाउन के आपको मिल जाएंगे, जींस के आपको मिल जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि गांधीनगर में मैन्युफैक्चरर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स तो ऑब्वियस हैं ही यहाँ पर। जो भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आए तो वो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखें कि आप यहाँ पर 1-2 पीस के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। आपको जो भी लेना है आपको क्वांटिटी में लेना है, तभी आपको सस्ता भी पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर एक चीज के चक्कर में जाएंगे तो वही आपको डबल ट्रिपल रेट में मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब आप लोगों के मन में ही आ रहा होगा कि मैम ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर कोई अपनी दुकान करे या होलसेलर मतलब से क्वांटिटी में ही माल ले, तो हम रिटेलर्स का क्या? तो चलिए आज आप लोगों के लिए भी एक चीज बहुत आसान कर देते हैं। यहाँ पर एक बात है कि गांधीनगर मार्केट हमेशा मंडे क्लोज रहता है, ये स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, मंडे एकदम क्लोज होता है मार्केट। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ दुकानें फिर भी ओपन होती हैं, लेकिन वो ना के बराबर होती है, तो जाने का कोई बेनिफिट नहीं रहता बिकॉज आपको ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यस, रिटेलर्स के लिए यहाँ पर काफी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप रिटेल में यहाँ पर काफी कुछ चीजें खरीद सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको बच्चों के भी कपड़े मिलेंगे, जेंट्स के भी मिलेंगे, लेडीज के भी मिलेंगे, कुर्तीज भी मिलेंगी, मतलब ओवरऑल आपको कलेक्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको गर्मियों का कलेक्शन मतलब बेशुमार यहाँ मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल पीस भी मिल जाएगा। तो अगर आप रिटेल में लेना चाहते हैं, सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं, तो आपके लिए गांधीनगर मार्केट, अगर आप रेडीमेड कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी बेस्ट है। लेकिन यस, आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी इस मार्केट में आप विजिट करें, आप अपना कैश कैरी करते हुए कैश का प्रॉपर आप ध्यान रखिए, बैग्स को हमेशा फ्रंट पर आप रखिए, तभी इजी है। अदरवाइज यहाँ पर इतना भीड़ होता है, इतना प्रॉब्लम होता है कि अब आप ये देख लीजिए, जब हम लोग रेगुलर हम लोग जाते हैं तो हम अपने बैग्स को खुद हमेशा आगे रखते हैं, तो ऐसे में आप अपने कैश को कैरी करते हुए आपको इन सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको सदर बाजार की वीडियो में बताया था, वैसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्राउड यहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में आपको अपना और अपने कैश का प्रॉपर ध्यान रखना
जरूरी है। तो चलिए अब आप लोग जानना चाहेंगे कि गांधीनगर मार्केट में आपको किस किस चीज के लिए आपको विजिट करना चाहिए। तो गांधीनगर मार्केट के लिए मैं आज आपको बता देती हूँ, गांधीनगर मार्केट में आपको दुपट्टे का कलेक्शन आपको मिलेगा, स्कार्फ का आपको कलेक्शन मिलेगा, आपको स्टॉल्स का कलेक्शन मिलेगा, शॉल का कलेक्शन मिलेगा, बच्चों के कपड़ों का कलेक्शन मिलेगा, जींस की वेराइटी आपको मिलेगी, शरारा गरारा का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, गाउन का कलेक्शन मिलेगा, कुर्तीज का मिलेगा, लेडीज जींस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, बॉयज जींस का कलेक्शन मिलेगा, शर्ट्स का आपको कलेक्शन मिलेगा, और आपको यहाँ पर मतलब जैकेट्स आपको कलेक्शन मिलेगा, मतलब यहाँ जेंट्स से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलने वाला है, गर्ल्स से रिलेटेड आपको सब कुछ मिलने वाला है, सॉक्स आपको मिलेगी, मतलब कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि गांधीनगर मार्केट में आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे रेट पर सस्ता अच्छा ब्रांडेड और बेस्ट कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारी दुकानें हैं जिनके मैंने शूट किए हैं, आपको बेस्ट कलेक्शन हर किसी पे मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप नए हैं, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आप जिस साइज का लेने जा रहे हैं जरूरी नहीं है वो वही साइज है, तो आप दुकानदार से खरीदने से पहले उन चीजों के बारे में आप जरूर पूछ लीजिए कि जो आप खरीद रहे हैं क्या वो वही साइज है। तो साइज यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आपको इन चीजों को लेते हुए जो मेन चीजों का ध्यान रखना है उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि वॉशिंग आइटम्स आपको खरीदने हैं, यानी कि जो चीजें आप तक आ रही हैं वो पहले से वॉश करके, यानी कि जब आप एक कपड़ा खरीदते हैं सपोज कीजिए, तो हम लोग कई बार उसको धो के जब हम उसको प्रेस वगैरह करके तो वो चीजें प्रॉपर रहती हैं, लेकिन अगर मैं कपड़े को आते ही मैं उसको, अब मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण अलग देती हूँ, लाइनिंग होती है जो लेडीज सूट्स में लगती है, बहुत सारी चीज़ों में लाइनिंग लगती है, तो लाइनिंग को पहले एक टेलर धोता है, धोकर उसको प्रेस करता है ताकि जब उसको सूट में लगाया जाए तो बाद में श्रिंक होकर उसका साइज कहीं छोटा ना हो जाए। तो आपको शर्ट्स खरीदनी है तो शर्ट्स में आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, अदरवाइज साइज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जब भी शर्ट्स लेने जाए आप स्टैंडर्ड साइज की है या नहीं इसकी जानकारी अवश्य ले। अब बात कर लेते हैं मिनिमम ऑर्डर के बारे में। तो मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज से शुरू हो जाता है। तो मिनिमम ऑर्डर मतलब 5,000 का भी रहता है, 10,000 का रहता है, 15 का और 20,000 का। तो यानी कि जो आप खरीदारी है वो 5,000 रुपए से कर सकते हैं, लेकिन यस जो आपके घर तक जो माल पहुंचता है उसमें जो है 10,000-15,000 रुपए की कम से कम आपका जो है माल होना चाहिए, तभी वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप लोगों के घर तक पहुंचेगा। अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने का। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको खाने पीने की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड्स बहुत मिल जाएंगे, यहाँ छोले भटूरे बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बेस्ट बेस्ट शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप चाइनीज के शौकीन हैं तो एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट रिसेंटली अभी खुला है, बहुत बहुत अच्छा है, मैं जब भी गांधीनगर जाती हूँ तो मैं उसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, और आपको यहाँ पर खाना काफी सस्ता मिलेगा, काफी अच्छा मिलेगा, और आपको हर कल्चर का खाना यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम स्टार्टिंग प्राइस किस आइटम के क्या क्या हो जाते हैं। तो मैं कुछ आइटम्स के बारे में आपको बता देती हूँ। लाइक गाउन के बारे में हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पर 200-150 रुपए से शुरुआत हो जाती है गाउन्स की। अगर हम बच्चों की फ्रॉक की बात करें तो बच्चों की फ्रॉक यहाँ पर 13 रुपए से शुरू हो जाती है। अगर हम बच्चों की किड्स वेयर की बात करें तो किड्स वेयर में भी यहाँ पर जो है आपको काफी अच्छा, यानी कि हम 80 रुपए से भी शुरू हो जाता है, 50 रुपए से भी, 40 रुपए से भी, तो किड्स वेयर का कलेक्शन इतने से शुरू हो जाएगा। शर्ट्स की बात करें तो शर्ट्स भी आपको 70-80 रुपीज में काफी अच्छा कलेक्शन यहां पर मिल जाएगा। जींस की अगर हम लोग बात करें तो जींस आपको 150 रुपए से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। और जैकेट्स की अगर हम बात करें, जो मेंस जैकेट्स होती हैं या गर्ल्स जैकेट्स जो होती हैं, तो यहाँ पर आपको 250-300-400 रुपए से अच्छा खासा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जो है खाने पीने की बात हो गई तो अब रहने की बात कर लेते हैं। तो रहने की और खाने पीने की बात करें तो खाने पीने का तो खैर मैं आपको बता चुकी हूँ, रहने की बात करें तो सुभाष रोड के बाहर ही सूर्याम होटल का आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, और जैन गेस्ट हाउस भी है वहां पर भी आप मतलब विजिट कर सकते हैं। और अगर हम शुरुआती किराए की मतलब अगर हम बात करें कि होटल का रेंट कितना होता है, तो होटल का रेंट यहां पर 500 रुपीज से समथिंग शुरू हो जाता है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप जहां मतलब आए हैं और आपको होटल कोई खास नहीं लगे हैं, तो आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आप पहाड़गंज की तरफ जो है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, सदर बाजार के पास, नबी करीम के पास आपको पहाड़गंज होटल्स काफी सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको ऑप्शन यहां पर काफी सारे मिल जाएंगे, तो आप यहां पर भी ट्राई
कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर काफी अच्छा है, मतलब यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कहीं भी किसी भी कोने में कर सकते हैं, यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी या वर्ल्ड में आप कहीं भी जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सेवा यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारा गांधीनगर का जो प्रॉपर मैंने आपको जानकारी दी है वो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमेशा की तरह कहती हूँ कि कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई मार्केट के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार।